परिमा, मैं चाहती हूं कि आप ये चाबियां अपने हाथों से परिणीता भाभी को सौंप दें। परिमा वो इस घर की सबसे बड़ी बहू है और इन चाबियों पर सबसे ज्यादा हक उन्हीं का है। चाबियों की नहीं है स्वरा, बात यह है कि क्या वो घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल पाएगी। बड़ी माँ, जिम्मेदारियां संभालने के लिए तो हम सब है ना। ये चाबियां उन्हें सौंप कर हम भाभी के मन से वो डर, वो इनसिक्योरिटी निकाल सकती है जो वो फील करती है। स्वरा सही कह रही है। ना ना ना, मारे को ना जी आइडिया एकदम सही ना लग रहा। देखो, जैसे बंदर के हाथ में तलवार देने से तिजोरी की रक्षा ना हो बे, उल्टा राजा का ही गला कटे है ना, उसी तरह अगर परिणीता के हाथ में तुम लोगों ने चाबियां दे दी ना, तुम्हारी मानो कुछ सही ना होगा। ना वो छोरे का दिमाग सही दिशा में चल ही ना रहा है तो क्या फैसला लेगी। ना देखो, जे बात के लिए मारी तो ना है, बाकी आप लोग का जो फैसला हो मारी हाँ समझ लेना। देखो परिणीता, वाह ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या कर रही हैं आप? मैं जानती हूं मैं क्या कर रही हूं परिणीता। ये जिम्मेदारी सिर्फ इस घर की नहीं है बल्कि इस घर में रहने वाले हर एक शख्स की। और ये सिर्फ चाबियों का गुच्छा नहीं, इसके साथ जुड़ा है इस घर का मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ। उम्मीद करती हूं कि तुम हमें निराश नहीं करोगे। एक बात हो, अगर किसी दिन हमें ये लगा कि तुमने इन चाबियों का दुरुपयोग किया या इनका गलत इस्तेमाल किया तो उसी दिन ये चाबियां हमसे ले ली जाएंगी। और इस घर की सारी जिम्मेदारियां क्या हो रहा है सब? अब चलिए हम आपको बताते हैं। आगे कुछ और गलत ना हो इसीलिए तो हमने ये जिम्मेदारी ली है। मम्मी जी, आप बहुत भोली हैं पर ये स्वरा और रागिनी नहीं। एक बार पहले भी धोखा खा चुकी हैं आप और ये दोबारा ना हो इसलिए हमने ये जिम्मेदारी ली है। ये दोनों आपको तो धोखा दे सकती है पर हमें नहीं। स्वरागिनी, अब सत्ता हमारे हाथों में, तुम दोनों कुछ नहीं कर पाओगे।
खुश हो? इन चाबियों को बहुत संभाल कर रखना पड़ी नहीं था। इन चाबियों के साथ पूरे घर की जिम्मेदारियां हैं तुम पर। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि चीजें इतनी जल्दी हमारे हिसाब से होने लग जाएगी, वो भी तब जब हमारा पति हमारे साथ नहीं है और पूरा परिवार रीमई, रागिनी और स्वरा को आशीर्वाद दे रहा है। अब देखना आदर्श जी, आपको ना कल जमशेदपुर भी जाने की जरूरत नहीं होगी। मैं कल जा रहा हूँ जमशेदपुर। बताइए ना आदर्श जी, ये चाबियां हमारे पास ही सही है ना? ये सब तुम इसलिए कर रही हो ना ताकि तुम जता सको कि तुम इस घर की बड़ी बहू। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी सलाह देकर गई थी, लेकिन तुमने तो मतलब ही बदल दिया उसका। याद रखना परिणीता, पावर ट्रिप है ना, ये तुमसे वही काम कराएगा जो रागिनी ने मालकिन बनकर किया था। आदर्श जी, आप हमें रागिनी से कंपेयर भी कैसे कर सकते हैं? अरे रागिनी ने तो जो कुछ भी किया वो सिर्फ बदला लेने के लिए किया, और हम किसी से बदला नहीं ले रहे, हम सिर्फ अपना औहदा संभाल रहे। संभाल नहीं रही हो, जता रही हो। कभी देखा है माया चाची को इस घर में अपना औहदा जताते हुए, ये दिखाते हुए कि वो घर में बड़ी है? परिणीता, बड़े औहदे के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है पूरे परिवार को साथ लेकर चलने की, जैसा माँ करती हुई आई आज तक। अपनी ईगो में आकर चीजें बर्बाद करने के लिए औहदा नहीं लिया जाता। आप हमारा दर्द नहीं समझ सकते आदर्श जी। स्वरा रागिनी, अब हमारी बारी है। हम तुम्हें बताएंगे कि किसी का हुक्म मानना और किसी से दबके रहना कितना मुश्किल होता है। आज से तुम दोनों पर मैं हुक्म चलाऊंगी, और जो मैं कहूंगी वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग उत्तरा। आप यहाँ सुबह सुबह? हाँ, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है उत्तरा। उस रात को मैंने तुम, एक सेकेंड भाभी, एक मिनट। हेलो, हाँ तुम लोग कहाँ हो? अच्छा आ गए क्या? अच्छा ठीक है मैं बस दो मिनट में आ रही हूँ, ठीक है? बाय बाय। भाभी एक्चुअली ना मेरे फ्रेंड्स आए हुए नीचे वेट कर रहे हैं, हम लोग एक कॉलेज टूर पे जाने वाले हैं, तो आप उनको दो मिनट के लिए वेट करने के लिए बोलोगे क्या? मैं अभी आती हूँ बस रेडी होकर। पर उत्तरा मुझे तुमसे बात करनी। भाभी अभी नहीं, बाद में, क्योंकि ना मैं बहुत लेट हो रही हूँ और मेरा पूरा ग्रुप भी लेट हो जाएगा। ठीक है। नमस्ते भाभी। हाय उत्तरा, बस आई रही। हाँ तुम लोग बैठो ना। I'm so happy. आज हम इतने दिन बाद उत्तरा से मिल रहे हैं। कितने दिनों बाद? मतलब रागिनी भाभी की तबीयत खराब थी ना, इसी वजह से तो इतने दिन से वो कॉलेज नहीं आ रही थी। उसने कहा कि वो रागिनी भाभी की देखभाल कर रही है घर पे रह के। वैसे रागिनी भाभी अब कैसी है? वो हॉस्पिटल से आ गई ना? हाँ सब कुछ ठीक है। अरे पायल खुशी, तुम लोग अभी तक यहाँ खड़े खड़े बातें कर रही हो? भाभी लोग को भी ना बस बात करने का बहाना चाहिए। चलो गाइस जल्दी चलो, मैं लेट हो रहा है। लेट्स मूव फास्ट। बाय भाभी। बाय बाय। बाय भाभी। वो तेरा सबसे छूट क्यों बोल रही है? मुखर्जी साहब, यह घर हमारी बहू की माता है, अब वहां तो गई हुई है अपनी बहन के पास और वही रहेगी कुछ महीने। तुम्हारे को लगा घर खाली पड़ा हुआ है, कोई किराएदारी रख लेते हैं जी। है शर्मिष्ठा? हाँ। पर मुखर्जी साहब एक बात बता दूं, अब हमारे को पारिवारिक लोग चाहिए, लड़के लड़कियां ना चलेंगे हमारे। जी काकी जी, मैं आपकी बात समझ गया। ठीक वैसा ही एक क्लाइंट है मेरे पास। अच्छा, मैं कल ही उन लोगों को आपसे मिलवा देता हूँ। हाँ तो ठीक है, पहले हमारे से मिलवा दो। पर एक बात बता दूं,
जब तक मिल ना लूंगी तब तक बात पक्की ना करूंगी है? जी काकी जी, कल ही मैं उस परिवार को आपसे मिलवा देता हूँ। अब ठीक है ना? शर्मिष्ठा कटे गई। नमस्ते। कटे चली गई। गाइस, आज तो बता दिया लेकिन ना प्लीज ध्यान रखना कि आगे से स्वरा भाभी को कभी मत बताना कि मैं कॉलेज बंक करती हूँ, वरना अगर उन्हें पता लग गया ना कि मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है तो हम मुझे रागिनी भाभी का ध्यान रखने के लिए कभी भी घर पे रुकने नहीं देंगी यार। तू टेंशन क्यों लेती है? हम तेरी प्रॉब्लम समझते हैं, हम तेरे घर वाले को कुछ नहीं बताएंगे। क्यों? थैंक यू गाइस सो मच, मुझे पता था कि तुम लोग मेरी हेल्प जरूर करोगे। अच्छा ठीक है, तुम लोग चलो, हम बाद में मिलते हैं, मुझे ना एक कॉल करना है। ओके बाय। हेलो, आई मिस यू सो मच। अरे हाँ बाबा, मुझे कल की डेट याद है। और तुम देखते जाओ, मैं तुम्हारा कल का दिन कितना स्पेशल बना देती हूँ। भाभी, आपने बुलाया था? ओ हाँ, स्वरा रागिनी, आज ना हमारी सहेली की गोद भर आई है तो हम वहीं जा रहे हैं और घर आते आते हमें देर हो जाएगी, तो तुम दोनों हमारे आने से पहले घर का सारा काम खत्म कर लेना। ठीक है। वैसे रागिनी, सबको लगता है कि तुम रसोई बहुत अच्छे से संभाल लेती हो, तो एक काम करो, तुम जाकर सब्जियां ले आओ और आकर खाने की तैयारियां शुरू कर देना। भाभी, वो सब्जियों के लिए पैसे? ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई, बिना पैसों के तुम सब्जियां कैसे खरीदोगी? एक मिनट। ये लो, इतना में तो आ जाना चाहिए ना? जी। एक मिनट रागिनी, आई थिंक इतने में हो जाने चाहिए। ठीक है। अरे अच्छा हुआ तुम तीनों यहीं पे मिल गए, मैं और सुजाता बाहर मंदिर जा रहे हैं, तुम तीनों मिलके घर का सारा काम संभाल लेना। ठीक है। जी इतना बन ठन के गुलाबो बन के कठे जा रही है तू परी? चाची जी, हमारी फ्रेंड की गोद भर आई है तो हम वहीं जा रहे हैं, और मम्मी जी हमने स्वरा और रागिनी दोनों को घर के सारे काम समझा दिए, हमारे आने से पहले वो सब संभाल लेंगे। हेलो। हाँ बाबा, निकल रही हूँ। अच्छा मम्मी जी, हम चलते हैं। क्या बताएं, घर की पूरी जिम्मेदारी हम पर आ गई है और इतने सारे काम होते हैं, खत्म करते करते टाइम तो लगता ही है ना। अच्छा कोई बात नहीं, तुम पहुंचो, हम भी पहुंचते हैं। चिची, मुझे छोरी को हो के गया है। ना गाय जैसी दिखने वाली छोरी, ना सीन कब से मारने लग गई। आपने तेवर देखा जे छोरी के? चिच्ची अलग ही घमंड का चस्का लग गया जे छोरी को। ले आजकल जे जे की औदे औदे की बात करने लग गई है, जे काम छोटा है जे काम बड़ा, ना हो के गया जे छोरी को। हमारी समझ में ना आ रहा है जे कौन सा नया धारावाहिक देखने लग गई है सास बहू का, जो ऐसा तेवर बदल गया जे छोरी के। हाँ देखो चिच्ची, आप ना फटाफट जरा आदर से बात करो जे के बारे में, अपने बेटे के सामने बैठ जाते। मुझे पता है आदर्श आजकल बहुत बिजी है, बहुत दबाव है काम पर उसको, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसे और परेशानी हो। खैर जाने दो, ये बात हम खुद ही सुलझा लेंगे। तुम चलो, मंदिर के लिए देर हो रही। हाँ जीजी, ना बहुत देर होगी, फिर तो प्रसाद भी खत्म हो जाएगा ना। ओहो, सुन रागिनी, हर को जो सब्जियों की शॉपिंग करनी है ना, रास्ते में ड्रॉप कर दूंगी। हाँ जी शशि जी, तुम चलो बाबा। सोरा, हम बस सब्जियां लेकर अभी आए।
तुम चिंता मत करना, हम दोनों मिलकर सब कर लेंगे, ठीक है? हाँ हाँ सब हाँ। शमिष्ठा क्या हुआ, ठीक तो है? आ बैठ। मैं ठीक हूँ। अरे कट्ठे ठीक है, मैं थारे वास्ते काढ़ा बना कर लाती हूँ। नहीं माँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। अच्छा पानी पी। मारे को तो लग रहा है तूने कुछ गलत सलत खा लिया शर्मिष्ठा, तभी हो रही है उल्टियां। पानी पी और आराम कर। बस 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 सुजाता, बाकी दर्द कम हो गया है ना जीजी? मैं आपका लक्ष्मण हूँ ना जीजी। माँ चाची जी गर्म दूध पी लीजिए, थकान कम हो जाएगी। थैंक यू बेटा। मम्मी जी आज का सारा काम बहुत अच्छे से निपट गया ना? वैसे अच्छे से निपटना ही था, मैंने इतनी अच्छी प्लानिंग जो की थी, कुछ गलत होने का तो सवाल ही नहीं था। हाँ भाभी। नीचे आ जा छोरी, ना देख ज्यादा ना उड़, अच्छा जमीन पे आ जा, अगर बहुत ज्यादा उड़ेगी ना तो ऊपर से चील उठा के ले जाएगी थारे को। हाँ मैं भी देखती हूँ आगे आके थारे जी की लैंडिंग कैसे चलती है। आस्ते 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 सुजाता, लगता है कि तू इतनी ही नेक है, अच्छी है, सुलझी हुई है, तू सफल नीति बनाती है तो तू राजनीति में कौन चले जाती है ना? इलेक्शन लड़ ली ना प्राइम मिनिस्टर बन जा, ना कम से कम देश का तो भला होगा। जय खाकर चलो बाद में सोचेंगे, मैं संभाल लूंगी। सुजाता बस कुछ नहीं सुनना मुझे स्वरा। सबका प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, कमरे में चलो ना अंदर। रहने दो स्वरा, तुम्हारे बहाने सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। संस्कार पर मुझे तुम्हें बताना है, तुम्हें जानना होगा कि ये सब कैसे हुआ। संस्कार प्लीज, संस्कार वो कंगन छोड़ो यार। I'm so sorry, तुम्हें लगी तो नहीं? स्वरा! स्वरा तुम ठीक तो हो ना? संस्कार ये आपने क्या किया? ताकि नहीं मैंने जानबूझकर। अरे ये सब हो क्या रहा है? संस्कार! जे संस्कार दिया मैंने थारे को, ना तो बेशरम ना आज एक छोरी के ऊपर हाथ उठाएगा। हमारे पास मैंने इस पर हाथ नहीं उठाया। मॉम आप ही बताइए मैं इस पर हाथ क्यों उठाऊंगा? तू चुप कर, बात ना कर हमारे से। तू हमारे साथ मारे को सुननी ना थारी एक भी बात। स्वरा तुम बताओ, तुम्हें लगता है कि जानबूझकर मैंने तुम पर हाथ उठाया? नहीं संस्कार, मैं जानती हूँ। संस्कार ये क्या सुन रहे हैं हम? तुम स्वरा पर हाथ उठाओ ये तो हम सोच भी नहीं सकते। बड़े पापा आपको सच में लगता है कि मैं स्वरा पर हाथ उठाऊंगा? बड़े पापा संस्कार बस मुझसे गुस्सा है, ये गलती से ही। गुस्सा? तो तुम्हारे को बता सोरा की हुआ के ना, जैसे इसका गुस्सा क्यों थारे पे? वो कंगन जो मैंने गंगौर की पूजा के वक्त दिए थे वो इसने खो दिए। संस्कार वो मैंने खोए नहीं है। वो क्या सोरा तुमने वो कंगन खो दिए?
संस्कार तुम्हारे लिए वो कंगन इतने प्यार से लाए थे, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? ये बात कर रही है स्वरा ना, हाय राम, अब दोनों हीरो के कंगन तुमने दोनों एक साथ खो दिए। चाची जी, अब जब बीवी ऐसी हरकतें करे तो पति को तो गुस्सा आएगा ही ना। तू चुप कर, उसके कंगन खोए वो जाने, उसका पति जाने, तू अपने जोश के बीच में डाल रही है। एक मिनट पर इनका संस्कार ने जानबूझ के उसको नहीं मारा है, गलती से लग गया है। और दूसरी बात, जहां तक कंगन की बात, स्वरा लापरवाह नहीं है।